नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के डडवाल में 19वां कारगिल विजय दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वीर चक्र विजेता कर्नल रविंदर सिंह समयाल ने की। रविंदर सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम की शुरुआत में शहीद सैनिकों के प्रति 2 मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि दी गई। रविंदर सिंह ने कहा कि आज कारगिल के हीरो को श्रद्धांजलि दी गई है। उन्होंने आने वाली पीढ़ी के लिए कहा कि आगे के लिए शहीद नहीं होना है बल्कि दुश्मनों को मारना है। वहीं भाजपा के रणवीर सिंह ने कहा कि हर वर्ष की तरह भाजपा मंडल की तरफ से कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें जहां के जो भी शहीद हुए हैं उनके परिवारों को वीर नारियों को सम्मानित भी किया जाएगा। आज हमने यहां के गांधी दे रहे हैं कारगिल के हीरो को या जिन शहीदों ने जो आपने जान दी है, ये आने वाली पीढ़ी को ये याद दिलाने के करीब हूँ कि आप जो है आगे के लिए शहीद नहीं होना है लेकिन दुश्मन को शहीद बनाना है, अपने आप को जिंदा रखना है और लड़ना है। इंग्लिश में बोलते हैं वी लिव टू फाइट अनदर डे। शहीद होना तो कोई भी हो सकता है लेकिन अगर आप अपने आप को सुरक्षित रखते हैं तो एक दिन और लड़ सकते हैं। और जो दुश्मन है उनको उसी दिन शहीद कर दो, वो अपने देश के लिए दोबारा लड़ नहीं पाए। हमारा मेरा मुद्दा यही है कि मैं अपने बच्चों को यही सिखाता हूँ, ये मत सोचो कि मर के हम शहीद होंगे अपने देश के, नहीं, दूसरे देश को दूसरे दुश्मन को मारे वो जाके अपने देश के लिए शहीद है। हम एक दिन और जियेंगे, आगे हमारी पुश्ते वो भी जिये ताकि हमारा देश के ऊपर कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं करे जैसे पाकिस्तानी की कार्रवाई। जनता पार्टी मंडल नूरपुर की तरफ से यहाँ पर कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। जो भी हमारे यहाँ के स्थानीय जो शहीद परिवार हैं उनके परिवार की जो वीर नारियाँ हैं उनको सम्मान यहाँ पर देंगे, सम्मानित करके उनको गौरव महसूस होता है कि कोई हमें यहाँ पर याद करता है। हर वर्ष की भांति नूरपुर मंडल भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कारगिल विजय दिवस मनाता है। हर वर्ष की भांति आज भी यहाँ पर बड़ी धूमधाम के साथ कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है।